न्यूज 18 नेटवर्क के पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आज मेरे साथ एक खास मेहमान यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सांसद चुनकर आई कमलेश जांगड़े जी। कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कमलेश जी की जीत बहुत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कमलेश जी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 60,000 के वोटों के अंतर से हराया शिव कुमार डहरिया को, जो भूपेश बघेल सरकार में मंत्री रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कमलेश जी, क्या लग रहा था आपको जब टिकट मिला, तो ये जीत आसान नजर आई थी या मन में विचार चल रहे थे कि किस तरह से मुकाबला करेंगे, कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, मैं उसको अपने प्रतिनिधि नहीं मार रही थी और बड़े आसानी से, मेरे को मन में विश्वास था कि मैं आसानी से सीट को निकालूंगी करके, और बड़े ऊर्जा के साथ में मेरे जनता जनार्दन देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु प्रदेश के केंद्र के सभी का भरपूर आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ शांतिपूर्वक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 में से 10 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, एक कांग्रेस के खाते में चली गई। क्या लगता है कि अगर वो एक भी आ जाती तो जीत और बड़ी और भव्य हो जाती? हाँ, एक और हमारी आ जाती तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक तरफा होती, बहुत और अच्छा हो जाता। हाँ। गांव की पॉलिटिक्स से आपने अपने करियर की शुरुआत की, अब आप दिल्ली पहुंची हैं, लोकसभा पहुंची हैं, तो क्या प्राथमिकताओं में है, क्या था मन में जब आपने शुरुआत की थी कि कैसे राजनीति आगे करनी है और एजेंडा क्या रहा आपकी पॉलिटिक्स का? देखिए, मैं छात्र संघ से और मेरे फादर जो थे हैं वो राजनीति में समाज में उनका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से अभी भी उनके समाज में बहुत ही पकड़ है, हमेशा समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनका छवि मेरे में है कहना चाहिए। और लगातार मैं 2005 से 15 तक सरपंच रही, उसके बाद मंडल में मंत्री रही, उपाध्यक्ष रही, जांजगीर चांपा जिले में उपाध्यक्ष के रूप में रही जिलमेंट बॉडी में, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में महिला मोर्चा में रही, अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, हमारे मोदी जी का बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में तो वहाँ भी गई, विस्तारक के रूप में भी काम की, सरगुजा जिला की प्रभारी भी रही, अभी वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही, और ऐसे करके बहुत सारे संगठनों में काम की। संगठन जो मेरे वरिष्ठ जन मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी से जो भी मुझे मिला उसको सारा काम की। तो राजनीति की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज आप यहाँ पर पहुँची हैं। ये बताइए कि जो जब आपने पॉलिटिक्स में फुल टाइम जाने का सोचा तो समाज का साथ मिला, क्या प्रतिक्रियाएं रही, और फिर जाहिर तौर पर शादी हुई होगी, आपकी गृहस्थी बसी होगी, तो कैसे आपने सामंजस्य बैठाया? देखिए, जब शादी हो क्या ही तो थोड़ा सा तो था कि कैसे मैं मतलब जाऊंगी करके, लेकिन मेरे यहाँ जो मेरे मिस्टर हैं जांगड़े जी, भरपूर सहयोग रहा उनका, बहुत मेरा सपोर्ट किए, मेरे मम्मी पापा किए, मेरे ससुराल पक्ष किए, मेरे पति बहुत सपोर्ट किए, बहुत उनका सपोर्ट भरपूर मिला है मेरे को और बहुत अच्छे से निभाते गई हूँ परिवार का, समाज का, समाज में अपने समाज में मैं महिला की अध्यक्ष हूँ तो समाज से भी मिला मेरे को भरपूर सहयोग और घर परिवार से भी भरपूर सहयोग मिला। शिव कुमार डहरिया को हराया आपने, बड़ी जीत है, और कहा यह भी गया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फूट की वजह से ही जांजगीर चांपा सीट कांग्रेस ने गंवा दी, लेकिन नहीं, इसे आपकी जीत को मैं छोटा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जाहिर तौर पर आपके जो प्रयास हैं उससे आपको वो जीत मिली है, लेकिन क्या डहरिया जी की कोई फ़ोन कॉल उनकी तरफ से आया, बधाई दी गई हो आपको, या आपकी कोई बात हुई हो उनसे? नहीं, मेरी अभी तक किस बात नहीं हुई, ना उनका मेरे को फ़ोन आया है, किसी की नहीं आया। मेरे को तो शुरू से विश्वास था कि मैं बहुत ऊर्जा के साथ मेरे कार्यकर्ता बंधु सबका भरपूर आशीर्वाद मिला और मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं इस अपने जांजगीर लोकसभा सीट को निकाल लूँगी करके। कैसे प्रचार करती थी, और प्रचार क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद चुनाव के दौरान वहाँ पर थी, कि 15-15 घंटे आप लोग बाहर हैं, बहुत कम ही सो पाते हैं, ऐसे में घर भी मैनेज करना, क्योंकि एक महिला भले ही कितना फुल टाइम वर्किंग क्यों ना हो लेकिन घर को पीछे नहीं छोड़ पाती है, घर की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं जहन में रहती है, आप कैसे मैनेज करती थी? घर वालों का भरपूर सपोर्ट था, मेरे पति जी का सपोर्ट था, घर वाले भी चुनाव प्रचार में निकलते थे सबके सब, और मैं कभी जांजगीर रुक जाती थी, कभी बलौदा बाजार रुक जाती थी, कभी श्रीनारायण रुक जाती थी, क्षेत्र बहुत बड़ा है, 8 विधानसभा है, और
बहुत अच्छे से हुआ। कार्यकर्ता बंधु भी सब बहुत ऊर्जा के साथ में लगे थे। हमारे केंद्र के मोदी जी की जनकारी योजना, हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई किरण देव जी के नेतृत्व में, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव निपटा। देखिए यहाँ पर 8 विधानसभा जांजगीर चांपा में आती हैं और 8 की 8 कांग्रेस के पास थी और वहाँ आपने बाजी मार ली। वाकई दिख रहा है कि जिस तरह के प्रयास आपने किए उसी का ही नतीजा है। जांजगीर चांपा क्योंकि हम भी घूमे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है जांजगीर चांपा। देखिए विकास अभी तो 5 साल पहले हमारा विकास बहुत तेज़ी से चल रहा था। बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, उसमें विकास कार्य पूरे रुक गए थे। लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु देसाई जी की सरकार है, अब केंद्र में हमारी भारत मोदी जी की सरकार आ गई और विकास अब बहुत अच्छे से तेज़ी से हो रहा है। कुछ तो आपने भी सोचा होगा, रूपरेखा बना रखी होगी कि सांसद बनते ही मुझे पहले पहले ये काम निपटाने हैं, या जनता की जिन लोगों से आपने कनेक्ट किया है प्रचार के दौरान उनकी कुछ खास मांगे होंगी, क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं? आ रहा है, बहुत सारी मांगे हैं जनता जनार्दन का, है ना, तो बिल्कुल सबको पूरा करना है। खासकर मेरे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ही हो, किसान भाइयों के लिए है, तो वो सारा काम को करना है अपने को। जांजगीर चांपा में रहते हुए आपने महसूस किया हो कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा काम, क्योंकि महिला होने के नाते सरकार की जो महतारी वंदन योजना है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर अपनी जो कमिटमेंट है दोहराते रहते हैं, आपने क्या सोचा हुआ है अपने क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए हमारे मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई बहनों के लिए बहुत सारी योजना लेके आए हैं, और जब इस योजना को अभी लगातार हम लोग जमीनी स्तर में पूरा चल रहा है, तो बहनों का तो भरपूर आशीर्वाद मिला है। किसान भाइयों का, युवा का, सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका जनता जनार्दन को बहुत आशीर्वाद मिला है। ये बताइए कमलेश जी कि एमए हिंदी आपका साहित्य, आपका ये एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, लिखने पढ़ने का वक्त कभी मिल पाता है? मिलता है, ऐसा नहीं है, अगर समय निकालोगे। महिलाएं के तो दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो समय निकल जाता है। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, उन पर नज़र रख पाती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल रहती है नज़र। तो कैसे उनके उनके उन पर नज़र रखती हैं आप? क्या समय समय पर बुक्स चेक करती होंगी या फ़ोन चेक करती हैं, कैसे नज़र रखती हैं? देखिए दोनों बच्चे अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ सोचा है उनके लिए? अब उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मतलब वो स्वतंत्र हैं अपना फील्ड चुनने के लिए, या चाहती हैं कि आपकी लेगेसी को वो आगे बढ़ाएं? अपना फील्ड सोच लिए हैं बच्चे कि हमें इस चल जाना है करके। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है बच्चों को? थोड़ा सा बड़ा वाला को है, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, मम्मी ने पहले कह दिया पढ़ाई पहले करनी है ना, डिग्री पहले लो उसके बाद सोचना। उसके बाद सोचना। तो ये बताइए कमलेश जी कि इसके अलावा अगर मैं नेता से हटकर पूछूं कि जो कमलेश जांगड़े एक महिला है, उनकी क्या ख्वाहिशें रहती हैं या क्या उनकी पसंद है नापसंद है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि हमें इंडिविजुअली हर कोई एक मुद्दा बहुत दिल के करीब होता है, किसी के लिए हेल्थ होता है, किसी के लिए इंडस्ट्री होता है, या किसी के लिए मेंटल पीस होता है। आपके लिए ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसा कौन सा विषय है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको लगता है कि चाहे मैं राजनीति में रहूँ ना रहूँ लेकिन इसके लिए काम करती रहूँगी? देखिए मैं शुरू से ही छात्र जीवन से ही थोड़ा सा मुझे सामाजिक, और मैं पहले भी बोली ना, मेरे यहाँ जो मेरे पापा हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं, तो उनका मेरा भी रहता है कि मैं लगातार विद्यार्थी परिषद में थी, तब से मैं अपने स्कूल में समाज में कुछ ना कुछ करती रही, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं लगता है, बहुत मेरे को आसान लगता है, कोई बड़ा नहीं लगता है कि मैं, क्योंकि जनता जनार्दन से सबसे बहुत जमीनी स्तर पे जुड़ी हूँ, तो मुझे कुछ वो नहीं लगता, ज़्यादा वो नहीं लगता, मेरे को सारा अपना ही लगता है। स्वाभाविक है, मतलब लोगों से आपका जुड़ाव, आप ही कह रही हैं? बिल्कुल, खुल के मिलती हूँ मैं सबसे, ऐसा नहीं है कि। आपके पापा की पर्सनालिटी का बहुत प्रभाव है आप पर? मेरा सपोर्ट मेरे पापा बहुत करते हैं, पापा मम्मी और मेरे पति का बहुत सपोर्ट है। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो
पहला कॉल या कहते हैं ना कि पहली बात आपने किससे की? हमारे यहाँ जांगड़े जी थे सामने। अच्छा जी, तो क्या रिएक्शन मिला, मतलब कि उस समय आपने क्या महसूस किया था? विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो काम कर रही हूँ मतलब था। भाई साहब लोग बोलते थे, अरे किसी को टिकट मिलता है इतना खुश रहता है तुम्हारे चेहरे में। तो मैं एक सामान्य तौर से ही मतलब थी, मुझे भाई साहब लोग बोले कि अरे तुम ऐसा क्यों मतलब वो करती हो, बहुत खुश रहा करो। मैं बोली खुश हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ। ऐसे अब टीम मोदी बन चुकी है, छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन भी उसमें है, तो क्या लगता है आपको कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहने वाला है ये सफ़र? छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा, और हमारे अभी 10-11 लोकसभा सीट है, 10 हमारे सांसद चुन के आए हैं, और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से विकास होगा। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ अस्मिता पर भी काफ़ी राजनीति की, और ये आरोप भी लगाए बीजेपी पर कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता को बार बार ठेस पहुंचाने का काम करती है बीजेपी। साय सरकार की जिस तरह से काम की रफ्तार है उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर रही है। देखिए, हमारे विष्णु देसाई जी को अभी 5 महीना हुआ है सरकार बनी हमारी, और बहुत सारा काम फटाफट हो रहा है। सभी युवाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं का ध्यान दिया जाए। महतारी वंदन का महीने के पहले ही एक तारीख को महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। महिलाओं के लिए बहुत सारे हमारे मोदी जी योजना लेके आए हैं, तो जमीनी स्तर पे सारा योजना चल रहा है, तो महिलाओं का सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं देश के सुशील प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत अच्छे से विकास हो रहा है। अयोध्या गई थी आप जी? मैं, और राज्य में हमारी सरकार है तो अब तो विकास और तेज़ी से होगा। अच्छा, अयोध्या गई थी क्या आप? अयोध्या भी नहीं गई हूँ, लेकिन जाने वाली हूँ। अच्छा, प्रभु राम का आशीर्वाद लेने? प्रभु राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जब आप जनता के बीच जा रही थी तो क्या आपको अयोध्या को लेकर या राम मंदिर को लेकर जनता से कोई कुछ सुनने को मिला हो, वो उस बात को दोहरा रहे हो, ऐसा कोई रिएक्शन आपको लोगों के बीच मिला हो? देखिए, रामलाला के दर्शन करने के लिए हमारे मोदी जी अभी बहुत अच्छा योजना निकाले हैं, उस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है, और जनता जनार्दन बहुत खुश है, और सबके सब मेरे विधानसभा का एक एक दो दो राउंड सबका हो गया है अयोध्या के लिए, दर्शन करके चले गए हैं। अच्छा, परिवार को कोई वादा किया हो कि देखो एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद हम कहीं बाहर घूमने फिरने चलेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं है? देखिए, जब ऐसा कुछ रहता है चुनाव के बाद, तो मेरा रहता है कि मैं घर परिवार के अपने बच्चों के बीच में रहूं करके, तो ज़्यादातर समय बच्चों घर परिवार के साथ ही बाहर जाने की बात सोचेंगे। सोचेंगे मतलब अभी भी यहाँ पर टरकार हैं अब कि बच्चे उम्मीद ना पाल रहे? नहीं नहीं, बच्चे अब जाएंगे अभी अपनी, तो बच्चों का बड़ा वाला का पेपर भी चल रहा है, पेपर के बाद कहीं जाएंगे। तो जब आप सांसद बन गई तो अब जब आपको फ़ोन करते हैं तमाम जनता है आपके क्षेत्र की, तो क्या बोलती हैं कि सांसद महोदया करके ही बात करती हैं या कमलेश जी बात करती हैं, कैसे बात करते हैं वहाँ? जैसे मेरे से बात करते थे वैसी, और मैं भी उनको बोलती हूँ कि मेरे को जैसे बोलते थे आप वैसे ही बोलना, ऐसे करके। तो कमलेश जांगड़े जी घर में खाना कौन बनाता है ये बताइए। अब बोली ना, महिलाओं की दोहरी जिंदगी है, घर परिवार के साथ में बाहर का पूरा करते हैं, मैनेज कर लेती हैं। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? थोड़ा थोड़ा सब आ जाता है बनाना। वाह, ये आपने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, थोड़ा थोड़ा लेकिन सब आता है। वैसे कमलेश जांगड़े को खुद को क्या पसंद है, मतलब अलग तरह की चीज जो रुचि होती है हम लोगों की, किसी का घूमना, किसी को लिखना, किसी को सिलाई कढ़ाई, किसी को पढ़ाना, आपको क्या पसंद है? मेरे को ज़्यादातर खाना बनाना अच्छा लगता है। अच्छा। और ज़्यादातर मैं न्यूज वगैरह देखती हूँ समय मिला तो, समाचार में रुचि रखती हूँ, और पेपरों पर। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे कुछ पकड़ रखती है या नहीं, कुछ सीखती सिखाती है? नहीं, सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया में रहता है, ध्यान रहता है वहाँ पर। अच्छा, कोई अपने राजनीतिक जीवन का ही आपको एक किस्सा सुनाना चाहे हमें, कि कभी आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई हो, उनसे कोई बातचीत हो, या फिर जब आप सांसद बनने की तैयारी कर रही थी तो किसी की कोई सीख आपको मिली हो, आपके पिता ने कुछ आपको कई बातों बातों में कुछ सिखाया हो? देखिए, ये जीवन में आदमी
लास्ट तक पूरा कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलता है, छोटों बच्चों से लेके बड़ों तक का कुछ ना कुछ का कुछ ऐसा शब्द बोल जाते हैं जो मन को छू लेता है, तो वहाँ पे अपने को तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सब जगह कुछ ना कुछ तो रोज़ मिलता है सीखने के लिए, किसी बच्चे से मिलेगा, बड़ों से मिलेगा, रोज़ मिलता है कुछ ना कुछ तो नया सीखने के लिए। कभी आप थोड़ा सा हताश अगर महसूस करती हैं कभी, और किसी के जीवन में वो पल समय आता है जब थोड़ा सा हम डाउन फील करते हैं ना, लगता है कि जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा है, कभी आपके जीवन में अगर ऐसा समय आता हो तो फिर आप किस तरह से खुद को वापस मोटिवेट करती हैं या वापस तैयार करती हैं कि नहीं मुझे ये भी जो भी वक्त है ये निकल जाएगा, मुझे इससे लड़ना है, तो ऐसे खुद को कैसे तैयार करती हैं? देखिए, हर चीज़ अपने दिमाग से ही उपज होता है, और जैसा अपना दिमाग में सोचोगे उस तरह से होता है। तो मैं हमेशा अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चल रही हूँ तो मेरे पैर के नीचे चींटी भी मत आए, बहुत सबका, मैं किसी का बुरा ना करने की बिल्कुल नहीं सोचती, बहुत अच्छा अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव है बिल्कुल। और परेशानियाँ तो आती जाती रहती है, रात है तो दिन तो होगा ही, ऐसा है, और बिल्कुल अच्छा सोचती हूँ मैं। जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिली परिवार में, राजनीति में, समाज में, निष्ठा के साथ में की, मतलब मेरा मन ये रहता है कि मैं किसी का बुरा मत हो, मेरे वजह से कोई दुखी मत हो, ये मैं अपना मन में लेके चलती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, ये रहता है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं बहुत सरल, बहुत सहज होते हैं, और हमने देखा है कि जब वोटिंग होती है, जब कभी भी किसी भी चुनाव की वोटिंग होती है, तो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, वोट देने जाते हैं, शहरों के लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरियाज की जो विकास की रफ्तार है वो बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ी धीमी है, वहाँ के लोगों से किए गए वादे अभी तक भी पूरे नहीं हो पाए हैं। देखिए, कहीं कहीं पर विकास जो वादा है वो तो सारा पूरा होते जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो विकास अब अच्छे से होगा। और बीच में वही मैं बताई कि कांग्रेस का था, तो बस सारा काम पढ़े लिखे बच्चों को नरवा गुरुआ बारी में रख दिए थे, लेकिन आज हमारे मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सभी का ध्यान दे रहे हैं, तो विकास तो अच्छे से होना शुरू हो गया है। मुलाकात हुई आपकी प्रधानमंत्री मोदी से? हाँ, कल तो थोड़ा दूर से ही मुलाकात हो पाई, और अभी मेरे चुनाव में मेरा शक्ति जिला पड़ता है, नया जिला है, और नया जिला है और नया मुझे दायित्व तो मिला है, और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मेरे चुनाव प्रचार में मोदी जी खुद गए थे तो बहुत अच्छा लगा मैं मतलब बहुत भावुक हो गई कि मोदी जी इतने बड़े, इतने व्यस्त होते हुए भी मेरे चुनाव प्रचार में मेरे लिए आए। तो आपकी तरफ से मांग की गई थी या वहीं से डिसाइड हुआ था कि वो इस जगह में आकर प्रचार करने वाले हैं? मैं भाई साहब लोग बोल पूछे कि किसको चाह रहे, तो मैं मोदी जी का ही नाम लिया और मोदी जी आए। मतलब आपने जो मांगा मिल गया था, मिल गया। अच्छा, उस समय की तस्वीरें हमने भी देखी हैं जब आए थे नरेंद्र मोदी आपके प्रचार के लिए, भावनाएं तो आपके चेहरे पर नजर ही आ रही थी। एक पेंटिंग का भी वहाँ पर जिक्र हो रहा था कि कोई पेंटिंग देखी थी प्रधानमंत्री ने, जरा बताया वो किस्सा? वो बहुत सुंदर एक बिटिया पेंटिंग बना के लाई थी मोदी जी का, बहुत सुंदर पेंटिंग था वो देखकर खुश हुए थे? खुश हुए थे मोदी जी, बोले कि मैं बेटी आपको लेटर लिखूंगा, हाँ। ऐसे करके उसमें नाम अपना पता लिख के दो करके बोले मोदी जी, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी मोदी जी का। नरेंद्र मोदी वहाँ पे चले गए आपका प्रचार करके, तब कैसा लग रहा था? तब लग रहा था कि जीत पक्की है, पक्की है। तो लोगों के बीच में भी कैसा रिस्पॉन्स रहा जब आप पहुँच रही थी? शिकायतें लोग कर रहे थे या लोग आपसे उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि बेटा आप सांसद बन जाओगे तो हमारे लिए ये करना, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने जांजगीर चांपा में देखा अपने लिए या जनता के मन में अपने सांसद को लेकर? जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला है, और छोटी छोटी मांगे थी कुछ कुछ, कहीं पर का रोड का था, कहीं पर मकान का था, और सारा चीज़ अपन पूरा करेंगे। अब तो हमारे मोदी जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई के कार्यकाल में पूरा साए साए काम हो रहा है, जल्दी जल्दी सारा चीज होगा। अच्छा, साए साए मतलब जल्दी जल्दी? जल्दी जल्दी 5 महीने में देखो इतने सारे विकास हुए हैं, पूरा काम साए साए हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में।
जांजगीर चांपा लोग क्यों आए, अगर आना चाहें, मतलब लोग अगर छत्तीसगढ़ घूमने आते हैं, छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करने आते हैं, तो जांजगीर चांपा देखने लोग क्यों आए, ज़रा बताएं। जांजगीर चांपा बहुत सुंदर जगह है। मेरा जो गांव है तो और पहाड़ किनारे से लगा हुआ गांव है, और आप बरसात में जाएंगे तो वहाँ पे छोटी छोटी झरनाएँ हैं, हरा भरा दृश्य है, बहुत अच्छा जगह है। समय मिले तो ज़रूर आइए मेरे यहाँ। मेरा गांव छोटा सा ही गांव है, पहाड़ किनारे है, अच्छा गांव शहर है। भगवान रामलाला का निहाल गांव है, बहुत अच्छा जगह है। बहुत सारी तीर्थ यात्रा है हमारे छत्तीसगढ़ में, बहुत सुंदर जगह है। तो आप छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आप सांसद हो गई हैं, दिल्ली भव्य गुरु घासीदास बाबा जी का जैत खाम बना है, गिरौतपुरी धाम बहुत सुंदर बना है। अब दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बैलेंस कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छे से बनेगा बैलेंस, अच्छा से होगा। नहीं, कुछ सोचा होगा ना आपने कि कैसे बनाएंगी, मतलब कुछ दिन यहाँ रहेंगी फिर कुछ दिन वहाँ रहेंगी? जैसे यहाँ का बुलावा आएगा, कुछ काम रहेगा तो यहाँ आएंगे, बाकी समय अपने जनता जनार्दन के बीच में रहूँगी मैं। जनता दरबार या ऐसा कुछ मन में ख्याल हो कि कैसे जनता से मिलेंगी, कैसे उनकी समस्याओं को सुनेंगी, इसके लिए कोई प्लानिंग खास आपने की हो या अभी? हाँ, मैं प्लानिंग की हूँ। मेरा है कि हर मंडल में, मैं यहाँ से जाने के बाद हर मंडल में जाऊँ, अपने जनता जनार्दन के बीच में बैठूँ, दुख सुख बांटूँ, उनका क्या क्या है, कैसा कैसा समस्या है, उनका बात को जरूर सुनूँगी। अच्छा, कभी जब आप अपना चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी तो उस समय ये समय आया था, कभी लगता होगा कि बस एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो फिर जी भर के सोऊंगी या जी भर के खाऊंगी या आराम से घर में बैठूंगी? ऐसा नहीं लगा, मैं तो एकदम बोर हो रही थी जैसे चुनाव हुआ, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को और कहीं जाना चाहिए करके, तो कुछ करने को नहीं है कुछ सोई तो मेरे को इतना सोने का भी आदत नहीं है, मैं लगातार अपने काम में ही फोकस की। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक जगह, हमने रायपुर में गढ़ कलेवा एक जगह है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का लोकल फूड भी बहुत मिलता है। वहाँ पे मैंने एक मीठा खाया था, अरेसा। हाँ, अरसा। तो मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड में भी हमारे यहाँ बनता है उसे, हम भी अरसा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जब मैंने देखा कि उसे उसी नाम से पुकारते हैं, वैसे ही चावल के आटे का शायद बनता है, हाँ मीठा, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। देखिए कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का कहाँ से कहाँ कनेक्शन मिल गया। हमारा छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है, बहुत खान पान बहुत अच्छा रहता है। हाँ। और बहुत बहुत सिंपल लोग हैं, सिंपल लोग हैं। नक्सलवाद की एक बड़ी समस्या से पीड़ित रहा छत्तीसगढ़, हम लगातार देख रहे हैं कि अब जो लोन वराटू अभियान है उसका फ़ायदा मिल रहा है, वापस लौट रहे हैं कई जो नक्सली हैं, वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अब अच्छा होते जा रहा है, अब हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी विष्णु देसाई जी की सरकार है, तो अब सब समर्पण करते जा रहे हैं, अच्छा होते जा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं राजनीति में आएं और फ्रंट लाइन में दिखाई दें, इसके लिए क्या लगता है आपको कि कैसे हम महिलाओं पर अधिक जोर दे सकते हैं या उन्हें शामिल करा सकते हैं? देखिए, अभी तो महिलाओं के लिए बहुत सारा योजना लेके आए हमारे मोदी जी, और अभी 33% महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ाए हैं, तो अभी तो सांसद में भी बहुत सारी बहनें चुन के आई हैं, इसके बाद में नगर पंचायत का भी चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें भी हमारे बहुत सारी बहनें चुन के आएंगी, उसके बाद में फिर पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत का है, तो हमारे बहनें तो घर से बहुत बाहर निकल रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और बहुत अच्छे से निभा रही हैं अपना दायित्व। तो जब भी किसी खास पोजीशन से महिला शब्द जुड़ता है ना, तो लोग एक अलग तरह का एक अलग तरह का फैसिनेशन भी होता है कि अगर महिला टीचर है कोई तो उसका एक शौक होगा, किसी को परफ्यूम का, किसी को सैंडल कलेक्ट करने का शौक होगा। जयललिता जब थी राजनीति में, जब तक थी वो, तब तक उनका साड़ियों के बड़े कलेक्शन पे भी बात होती थी। कमलेश जी की जनता से जुड़ाव के अलावा कमलेश जी की किस शौक के बारे में हम बात कर सकते हैं? क्या आपको साड़ियाँ खरीदने का शौक है? महिलाओं को रहती शौक है मेरे को है ना कनेक्शन करने का, पहनने का शौक है। साड़ी ही पहनना पसंद है? साड़ी ही ज्यादा पहनती हूँ, साड़ी ही मेरे को बहुत शौक है। अच्छा, ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि जब हम साड़ी को देखते हैं तो कई हम जैसे जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि साड़ियों में काम करना साड़ी पहन के डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देखिए प्रचार के भी लगातार निकल रही होंगी, जगह जगह पहुंच रही होंगी, लेकिन लगातार साड़ी में, तो साड़ी सिर्फ कहने में लगता है कि थोड़ा
अब मुश्किल है लेकिन नहीं, साड़ी में जो सादगी है वो हाँ। किसी चीज में नहीं है। तो कल को अगर आपकी बहू ना पहनना चाहे तो? बच्चों का मन है लेकिन जैसा अपना संस्कार देते हैं उस टाइप का, लेकिन जो साड़ी है वो बहुत सादगी। जानकी जहाँ पर जब मैं आई थी तो मुझे बताया गया था कि वहाँ पे भी कोसा सिल्क की अलग अलग वैरायटी मिलती है, तो मैं भी गई थी वहाँ पे साड़ी खरीदने के लिए। तो आपको किस तरह की साड़ी खरीदना शौक, खरीदने का शौक है, कलेक्ट करने का शौक है? मैं हर प्रकार का साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। जो मुझे मतलब हर प्रकार का मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है किसी को पहनूंगी यही वाला कपड़ा पहनूंगी, ऐसा नहीं है। सब प्रकार का सोवर होना चाहिए बस, सादगीपूर्व। ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। सादगीपूर्व कपड़ा पहनना पसंद है। दिल्ली आती हैं तो कुछ, क्योंकि दिल्ली अलग अलग तरह के अपने खान पान के लिए मशहूर है, तो कुछ यहाँ पर आके दिल्ली आके भी कुछ खान पान का टेस्ट लेती है? नहीं, अपना सादगीपूर्ण भोजन। मेरे को तो छत्तीसगढ़ का ही व्यंजन ज्यादा पसंद। अरे ऐसा भी मत कहिए, दिल्ली में दिल्ली का भी थोड़ा चाट पकौड़े का ख्याल किया कीजिए। अभी हमारी बहने आई थी, वो ब्रेड पकौड़ा बोली कि बहुत फेमस है, आपको भी जाना है, तो अभी तक तो गई नहीं लेकिन निश्चित ही जाओगी मैं ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए। हाँ, ये तो ये वही ना, आप जब दिल्ली आई हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ का भी खान पान का मज़ा लीजिए। अच्छा, एक बार मैं फिर धर्म पर आती हूँ, भक्ति पर आती हूँ, क्योंकि जब भी हमारा मन चाहे खुश हो उदास हो, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग ऐसे एक जो लोग हैं जो भगवान में या अपने गुरु में अपना सुकून ढूंढते हैं, तो आप भी क्या भक्ति में सुकून ढूंढती हैं या किसी गुरु नाम में अपना सुकून ढूंढती हो? आस्था विश्वास कहाँ रहता है आपका? आस्था है कुछ भी मन से अगर किसी चीज़ को आप मांगोगे तो वो जरूर निश्चित ही पूरा होता है। और मैं सवेरे उठती हूँ, 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद में जो घर का दिनचर्या काम है उसको करने के बाद में नहा धो के पूजा वूजा करती हूँ, और मैं घर से निकलने के पहले एक बार ज़रूर भगवान के पास जाती हूँ और प्रणाम करके ही निकलती हूँ। कहीं से आती भी हूँ तो भी अपने भगवान के पास जाके 2 मिनट खड़ा होती तो मन को बहुत सुकून और बहुत चैन मिलता है। कभी कोई भजन गुनगुनाती हैं आप? बताइए सर। भगवान का नाम लेती हूँ हमारे लिए भी राम भजन हो जाए। बस भगवान का नाम जरूर लेती हूँ। अच्छा, फिल्में देखती नहीं? देखती बहुत कम देखती हूँ। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? वो तो मेरे को खुद याद नहीं है कौन सा देखी, लेकिन मैं करीबन 6-7 साल हो गया होगा मैं पिक्चर देखी ही नहीं अभी। नहीं, लेकिन कमलेश जी, आप वाकई जो आपकी पूरी शख्सियत है सादगी पूर्ण है, सादगी बनी रहे और आप इसी ललक के साथ काम करती रहें जनता के लिए, क्योंकि मेन तो आपको उन्हीं के लिए काम करना है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा विकास की रफ्तार में बाकी और सीट्स की तरह ही आगे भागता नजर आए, यही उम्मीद हम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सांसद कमलेश जांगड़े, जिन्होंने हराया है शिव कुमार डहरिया को। बड़ी जीत है, 60,000 वोटों के अंतर से जीत कर आई हैं और अब प्राथमिकताएं साफ हैं, जो एजेंडा है वो साफ है, बस जांजगीर चांपा का विकास करना है, उन्होंने खुद ही अपनी बातचीत में कह दिया। आप देखते हैं न्यूज 18 नेटवर्क।